हाँ हमारा गाना है, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। हेलो कौन गाना आया तो उसके जस्ट सेकेंड डेज ही आदि शक्ति कंपनी ने सेम टाइटल से एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था हेलो कौन। लगभग म्यूजिक भी कुछ ऐसा हाँ। तो ये जो गोरी तोर चुनरी टू मैंने रिकॉर्ड किया था वो आदि शक्ति फिल्म्स के लिए ही किया था पहले, हेलो कौन से पहले ही। बट हेलो कौन करना था तो हमने बोला कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद इसको करते हैं हम लोग। बट हुआ क्या कि जब हमने हेलो कौन डाला तो उसके जस्ट नेक्स्ट डेज ही उन्होंने दूसरा गाना हेलो कौन टाइटल से ही किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया है और मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं आपको नहीं दूंगा ये। और मेरे क्या हुआ था, मैं हमसे गलती क्या हो गई थी, हम लोग विश्वास कर लेते हैं। हम जिस दिन रिकॉर्डिंग हुआ उस दिन ही उस कंपनी के मालिक जो मनोज मिश्रा जी हैं उनको हमने व्हाट्सएप कर दिया कि देखिए बाबा कैसा गवाया है ये, कभी आप लोग उनसे मिलेंगे तो पूछिएगा आप लोग, 100% एकदम सच बात है। वो अपने व्हाट्सएप का हिस्ट्री भी निकाल के दिखा देंगे अगर उनसे बोलेंगे तो कि कितनी तारीख को उनको हमने गाना भेजा था। अब हमने बोला कि आपने ऐसा किया हमारे गाने के साथ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको दूँ, वो मेरी मर्जी, मेरा आपकी मर्जी, आप किसको भी दो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अब ये धोखा किया उन्होंने, धोखा ये किया कि गाना सेम बनवा के, और सेम टू सेम गाना उस गाने पे हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, हमने आशीष वर्मा जी ने और अखिलेश कश्यप जी ने भी, कुल मिला के हम लोगों ने बहुत मेहनत से कम 8-7 घंटे मेहनत किए उस गाने के ट्यून पे, उसके लिरिक्स पे, फिर उसके बाद गाना बनाया था और काफी अच्छा। तो गाना तो काफी अच्छा था लेकिन आपने क्यों एक महीने बाद रिलीज करने का क्यों सोचा था, जैसे कि तैयार हुआ? नहीं नहीं, बात ये हुआ कि सिचुएशन के हिसाब से गाने चलते, गाने आते। जैसे हमारा गाना एक आ गया 30 जनवरी जो कि टाइम उसका था, उसका 30 जनवरी टाइटल ही था तो उसको पहले करना जरूरी था। फिर हेलो कौन आया तो उसके बाद वो थोड़ा डिले होते होते थोड़ा डिले हो गया, बट हमने रिकॉर्ड किया था एक महीना पहले ही उसको। मेरे पास प्रूफ है, जो सॉफ्टवेयर होता है न्यू विंडो पे रिकॉर्डिंग होती है और क्यूबेस पे रिकॉर्डिंग होती है, जिस डेट में रिकॉर्डिंग होती है वो डेट उसके डेटा में सेव हो जाता है, वो टाइम उसके डेटा में सेव हो जाता है। अगर आप लोग कहें तो मैं वो जाके स्टूडियो में आपको डेट भी दिखा सकता हूँ कि किस डेट में मैंने वो गाना गाया। मेरे पास स्टूडियो की वीडियो फुटेज है, आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ कि किस डेट में हमने गाना गाया। कहीं ऐसा नहीं कि आप किस तरह से आपका गाने हिट हो रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग इंडस्ट्री के हैं जो आपसे चिढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है? अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, कुछ किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। देखिए मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं फेसबुक पे आके रोऊं कि मेरा गाना ये हो गया, मैं वैसे नहीं कर सकता। हमने मैंने मर्दानगी से रहना सीखा है और मर्दानगी से आज भी रहता हूँ, मैं रोने वाला इंसान नहीं हूँ फेसबुक पे। हाँ, इस देश में कानून है जिसके अंदर में हम सभी लोग जीते हैं, तो क्या करना है वो आगे देखें। तो सामने वाले जो थे क्या उन्होंने आपसे संपर्क किया कि हाँ हमने किया, क्योंकि हमने आशीष जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने जो सिंगर थे उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ हमसे गलती, क्योंकि ये गाना रितेश जी ने रिकॉर्ड किया था हमसे गलती, हमें पता नहीं था, ऐसा बोले? पता नहीं, बट सामने से हमें कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश। तो इसके बाद क्या करने वाले हैं, कुछ आगे अगला कदम क्या होगा आपका? ये नहीं बता सकते आप, मतलब कार्रवाई करेंगे आप? हाँ हमारा गाना है, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं।